मंगलवार के दिन पढ़ने जा रहा है दिव्य फुलेरा दूज। यह दिन अपने आप में अद्भुत होता है। मंगलवार का दिन बालाजी महाराज को समर्पित है और साथ ही फुलेरा दूज भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण माता राधा को समर्पित है। ऐसे में सभी देवी देवताओं का कुल मिलाकर सहयोग पढ़ना एक दिव्य सहयोग की तरह है। आप सभी को गुरु जी का सरलतम उपाय 11 चावल के दाने और गुड़ का उपाय बताना चाहूंगी। सरलतम भाषा में पूर्णता के साथ समझाऊंगी। वीडियो में बने रहिए। कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो तुरंत कमेंट्स के द्वारा पूछ लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। आप सभी व्रत कर सके तो श्रेष्ठ है, नहीं तो कम ही लोग फुलेरा दूज का व्रत करते हैं। इसमें बिना व्रत के भी आप उपाय कर सकते हैं। सुबह से लेकर शाम तक जब आपको समझ में बैठे, जब समय आपके पास हो, तब जो है आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए कैसे करना है। सबसे पहले यह उपाय आप अपने मंगल विवाह के लिए, पुत्र प्राप्ति की इच्छा है या संतान प्राप्ति की इच्छा है तो उसके लिए कर सकते हैं। धन संपदा कर्ज पैसा इत्यादि लेकर चला गया है, मकान बनाने की इच्छा रखते हैं तो भी इस उपाय को कर सकते हैं। कुल मिलाकर रोग इत्यादि जो भी मन में आपके बात है उस बात को कहते हुए यह उपाय है, तो आप इस तरह से करें। कैसे करना है ध्यान से सुनिए। आप सभी को इस कार्य को करने के लिए चले जाना होगा शिव मंदिर में। शिव मंदिर में आप चले जाएंगे तो वहां पर आप सभी को क्या क्या सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। एक टुकड़ा गुड़ का, थोड़ा बड़ी मात्रा में लीजिएगा, बिल्कुल छोटा सा ना ले। गुड़ हर घर में उपलब्ध होता है तो एक टुकड़ा गुड़ का ले लीजिए। 11 दाने चावल के ले लीजिए। पूर्णता होनी चाहिए चावल में, खंडित ना हो इस बात का ध्यान रखिए। पूर्ण चावल ले लीजिए 11 दाने, और साथ ही एक बेलपत्र की आवश्यकता पड़ेगी। बस मात्र यही तीन चीजें हैं। बेलपत्र ना मिल पाए तो महादेव पर चढ़ी हुई बेलपत्र भी धोकर आप दोबारा से काम में ले सकते हैं। मात्र यही तीन चीज चाहिए। घर में चावल भी होते ही हैं, गुड़ भी है और बेलपत्र भी होता ही है। तो आप सभी को इन सभी को लेकर चले जाना है शिव मंदिर। सबसे पहले दीप प्रज्वलित कीजिएगा, उसके बाद जो है आप महादेव का जो जल इत्यादि समर्पित करते हो वह कर लीजिए, ठीक है। अब आप सभी को शंभेश्वर महादेव का यह नाम लेना है। कौन से महादेव का नाम? शंभेश्वर महादेव का नाम लेते हुए सबसे पहले जो चावल के दाने हैं वह सबसे पहले आप सभी को उसमें से थोड़ा सा चावल के दाने माता अशोक सुंदरी के स्थान पर शंभेश्वर महादेव का नाम लेते हुए समर्पित करना है। साथ ही माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ही आप सभी को जो गुड़ का टुकड़ा लेकर गए हैं शंभेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जो आपने चावल समर्पित कर रखे हैं उसके ऊपर ही गुड़ का टुकड़ा समर्पित कर देना है। और साथ ही जो एक बेलपत्री है बची हुई उसे जो है आप सभी को महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का नाम जाप करते हुए और साथ ही शंभेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आप सभी को यह बेलपत्री समर्पित कर देनी है। काफी सरल उपाय है। इसके बाद जो जल इत्यादि आप समर्पित करेंगे वह पहले करेंगे, उसके बाद इस उपाय को करेंगे, ठीक है ना। यह गलती ना करें कि आप सभी जो है पहले यह रख दें और उसके बाद जो है यह चीजें समर्पित कर दें उसके बाद जो है जल चढ़ाएं, ऐसा नहीं करना है। आप सभी को पहले जल इत्यादि समर्पित करना है, दीप प्रज्वलित करना है, उसके बाद जो है यह चीजें समर्पित कर देनी है। अपने मन की बात करते हुए और अपने मन की कामना कहते हुए और साथ ही शंभेश्वर महादेव का नाम लेते हुए बस यही सरल सा काम करना है। और इसके साथ ही आप सभी को वहीं पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र की एक माला का जाप कर सकते हैं तो अति श्रेष्ठ रहेगा। और साथ ही महादेव से यह प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे मंगल विवाह के लिए मैंने यह उपाय किया है। हे शंभेश्वर महादेव, मैंने कर्ज मकान इत्यादि के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए यह उपाय किया है। आप सभी को यह उपाय सिद्ध करना है और मेरी मनोकामना जल्द से जल्द पूर्ण करनी है। ऐसी प्रार्थना करते हुए इस उपाय को पूर्ण आस्था से करना है। तो इससे पहले भी मैंने आप सभी को हल्दी का उपाय बताया है, उस उपाय को भी आप कर सकते हैं। काफी श्रेष्ठ आपको इससे फलों की प्राप्ति होगी। मिलते हैं इसी तरह की नई जानकारी के साथ। हर हर